Assalamualaikum guys, welcome back to the new video. Guys, हम आए हैं जी आपको बता दूं जी मेले पर, और गांव का ये मेला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस व्लॉग में और बने रहिएगा। असल में आया जिस वजह से था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इधर मेला है। मुझे शबाद ने बताया कि मेला है इधर काफ़ी बड़ा, तो व्लॉग श्लॉग बनाते हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं। तो हमने कहा ठीक है, अब हम गाइस घूमने आए हूँ, आपने हमारे साथ रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करना। जो गाँव के लवर है वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और शबाद भाई कैसे हो? अच्छे, काम श्याम सही हो रहे हैं इधर? गुजारा। आजकल तो प्योर देहाती बने हुए हैं। गाइस आपको बता दूं कि शबाद हमारे पास तकरीबन 4 साल रह गया है, तकरीबन। लाल हो गए, छोटा क्लास, दूसरे का मतलब तस्वीर के कितने पैसे लोगे? 50 रुपये। 50 रुपये वापसी आ, चलो वापसी वापसी आ गया, फोटो शोटो भी लेते हैं। और मैं कहीं में तो सुना यार, असद एक बात बताऊं जी, वो साकिब के लिए गुड़िया लेनी थी। वो बचपन में ले वाली गुड़िया साकिब के लिए पसंद कर ले यार, ये साकिब की है। भाई साहब ये गुड़िया कितने की है? 150 की। साकिब बहुत ज़्यादा पैसे है, नहीं तो मैं ले लेंगी थी। साकिब ले लें? साकिब कमरे में बता दे, ले लो, मैं ले लूँगा। अभी कितने दिन पड़े हैं मेले को? ये आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है। देखो गाइस कुदरती आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था मेला है। अच्छा रश वगैरह बहुत है, ऐसे मेरा कैमरा खुला रहा है। जेबें वगैरह ना संभाल के रखना। गाइज यहाँ छोटे छोटे ना बस समझ आओ, कह नहीं सकते, समझ आओ। अरे पिछले पिछले गंजे गंजे होंगे ये, आपको निशानी दे रहा। अभी अभी लंदन से आए, ताज़ा ताज़ा, अभी अभी ताज़ा ताज़ा लंदन से आए, वो आए हुए हैं। और है पकौड़े यार, कुछ दिन पहले ना फहीम गाँव गया हुआ था, पकौड़े खाए पेट खराब हो गया। सही है। जलेबी इधर गाँव की शान है भाई। अच्छा आपके गाँव में ना सब ज़्यादा जलेबी खाते हैं, हकीकत। शुआर में वगैरह भी हैं, बर्गर भी हैं। वाह भाई वाह, ये तो रोड पे निकला है, इस साइड भी चलेगा। ये ना मैं कैमरा बंद नहीं करूँगा, ये खुला रहेगा। वाह क्या प्यारी सेटिंग की है थी मतलब। गाइस गाइस ये खीरा। वाह भाई वाह, आलू काटने की स्पीड चेक करो। भाई ये पकौड़े गरम गरम हो, अंकल देख ही नहीं रहे। यार क्या एक्सपीरियंस है, ये क्या बना रहे हो भाई जान? बर्फी। कितनी देर लगती है बनने में? तीन दिन? नहीं नहीं, 6 देर लगी। अच्छा
मतलब वो कहना चाह रहा है काफ़ी देर लगती है, तकरीबन 2-1 घंटे लग जाते हैं, ज़्यादा 3-4 घंटे हैं। चलो ठीक है, बनाओ बनाओ, हम आ रहे हैं अभी। ये भी बनी बनाई जलेबियाँ पड़ी हुई हैं। इस साइड में तो और कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ इधर चलते हैं। हाँ आगे कुछ इस साइड में, इस साइड पे जाते हैं। फिर हमारा एक बंदा यहाँ पर खो गया, उसको यार राणा सलीम कहाँ गया, हमारे साथ आया हुआ था। हकीकत बात ना, वो है जी नाराज़ हमसे, उस पर एक वीडियो बना के आपको बताते हैं कि क्यों नाराज़ है। ठीक है, वो तो दरबार पर ही मिलेगा, वहाँ पता नहीं बैठा हो गया ही। ओए फिरोज खान तो नहीं बनी है वो, सीधी सीधी है वो। खुदार मोहब्बत लवर जो है वो मुझे कमरे में बता दे। ये गाइस देरा शेरा बना हुआ है इनका कोई, ये मिठाइयाँ मिठाइयाँ दिखाए यार। अंकल से पूछा है मिठाई बताओ कितने रुपए के लिए, आगे जवाब ही नहीं दे रहे। अच्छा चलो ना दे, अंकल की मिलती जलेबी आपको दिखाए ताज़ी लगती यार। ये लोग जो है ना मोटरसाइकिल अंदर घुसा देते हैं ना, ये गलत काम करते हैं। हम तो अपनी मोटरसाइकिल गाइस स्टैंड पे लगा के, ये रोला ही ख़त्म करो मोटरसाइकिल वाला। इधर ना मेले में ना सबसे ज़्यादा जलेबी लोग खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जलेबी की दुकान है ये भी इधर बाजार है। पहले दरबार पर जाते हैं, पहले दरबार पे चलते हैं गाइस। जो दरबार का नाम है वो आपको शबाज़ सारा को डिटेल में बताता है अभी। अभी हम सीधा बगैर कैमरा बंद किए एक जगह पे बंद किया जहाँ अंकल ने हमें जवाब नहीं दिया। ऐसा वीडियो बना लेंगे, मसला तो नहीं है। अच्छा ये गांव वाले की मोहब्बत बड़ी अच्छी लगती है, ये बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए सामान। अच्छा ये अंगूठियाँ देखे डिजाइन गाइस अक्तर। मेरे तुझे पता नहीं क्या दिखा रहा है। ये जी खुशबू वाला, फिर फोटो वाले आ गए। अब फोटो वाले का ना रिजल्ट कोई खास नहीं होता, गंदा रिजल्ट है, कुछ काम का रिजल्ट नहीं होता। सीरियस बात बताऊँ, बस ऐसे ही गुजारा होता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए होते हैं मेले पे। सेल 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 100 रुपये। ट्रैक्टर ट्राली डंपर चाबी वाला काका चाबी वाला बंदर बंद समझे खिलौने दी सेल आ गई। सेल 100 रुपये 100 रुपये। आगे फिर मस्जिद आ गई है। अच्छा हम मेले में वैसे हैं, हमने लेनी कोई चीज़ नहीं है। अब वो दिन रहे बचपन वाले, अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले लेंगे। बाकी राणा सलीम को ढूंढना है, अब राणा सलीम को ढूंढना है कि वो है कहाँ, कहाँ मर रहा है, वो कहाँ मर रहा है, कहीं गुम शुम ना हो जाए भाई। एक बंदा आपको दिखाऊं गाइस, एक बंदा फोटो के अंदर। चलो अंदर चलो, मुझे कमेंट में बताना ये कौन है। वन वर्ल्ड, हम नाम नहीं लेंगे, आप खुद बता देना कौन है। ठीक है, इसमें भी पाबंदी है, हकीकत है गाइस। हमारा हमें बचपन अपना याद आ गया। ओ भाई ये क्या लेके फिर रहे हो, चलो जय मेरा को चलो मेहरबानी।
मजाक कर रहा था बच्चों के साथ, बच्चे डर गए क्या, कैमरा ले के पता कौन आ गया। कबड्डी खत्म हो गई है, कबड्डी खत्म हो गई है, ऐसा लगता था भाई है ना। चलो ठीक है, खैर गाइस आवाम सारी वापस इस साइड पे आ रही है, उस साइड भी कबड्डी खत्म हो गई है। ये मोटे को देखिए, मोटे को सांड है, सांड ऐसे राजस्थान के मरूफ प्लेयर अच्छू बकरा। अच्छा काफी ज्यादा फेमस है ये। गाइस आवाम जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है। आपको कबड्डी भी दिखानी थी लेकिन कबड्डी हमारे आने से पहले ख़त्म हो गई है, वो आवाम जो है वापस मेले की तरफ जा रही है। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो इधर के लोग जो है मेला वगैरह जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। 3 दिन का होता है मेला, जिसे नहीं पता मेला होता है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आवाम जो है वो एक साथ हो जाती है, फिर शुगल मेले लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर शुगल होते हैं। जैसे कि आपने मौत का कुआं जो देखा है, मौत का कुआं ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बट थोड़ा सा था तो उसने एक मिनट आया एक मिनट में आया गया, जैसे हीरो एंट्री नहीं मारता वैसे ही उसने किया। सब एक क्लास फिर पे मेले मंडियां दा हार श्रृंगार तोड़ा जाने पहचाने अलमशहूर जमाना सोडा बनाने वाले अलमशहूर कारीगर अरसा दराज तो अपने दोस्तों भरावां दे इफ्तार वास्ते स्पेशल सोडा तैयार कर दे ग्लास वीर पे दा। गाइस मेले की मिठाई और ये जो है ना इधर के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जलेबी खाते हैं और ये उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए दोनों इसी काम पे लगे हुए हैं। और आपको भाई है जी गुलाब जामुन का दीवाना। एवरेज है, एवरेज क्या कहना चाह रहे हो? एवरेज नहीं अच्छा है, हाँ बस सही है, इतना नहीं है। चलो बस करो मारा एड सारा खा भी कोई गरीब डेरी में। शहबाज कहना चाह रहा है हम पूरे साल बाद खाते हैं, आप उधर आ जाना हमारे शाहपुरम से जलेबी मिलती है बड़ी फेमस है, हकीकत है। गाइस आपको दिखाने वाला हूँ एक रोमड़ा बंदा। यार कुछ बोलो। 108 किलोमीटर सफ़र करके आया हो और ये बंदा अभी तक रो रहा है, पता क्या है इस वजह से कह रहा था ये थोड़ी ले, देखो जाया कर दिया। ओ बाबा ये आए को कहीं को दे, बाबा एक शेयर पर पैक करा के कहीं को दे जाए थी वैसे।